रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। अपनी पत्नी छोड़ने वाला दूसरी महिलाओं के हक की बात करेगा, वुमेन रिजर्वेशन बिल, महिला अधिकार की बातें, वो भी ऐसे शख्स के द्वारा जिसने अपनी ही पत्नी को त्याग दिया हो, उसके आगे की जिंदगी का ना सोचकर, सिर्फ अपने बारे में सोचकर। महिला अधिकार की बातें करना कहां तक सही है, कहां तक गलत, मैं पूछना चाहती हूं आप सबसे। वुमेन रिजर्वेशन बिल कब लागू होगा किसी को नहीं मालूम। जनगणना 2021 से लंबित है, लेकिन अंधभक्त ताली पीट रहे हैं, वाहवाही बटोर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और उनके अंधभक्त पूरे देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। जब आगे आने वाले चुनाव में वुमेन रिजर्वेशन बिल लागू ही नहीं हो रहा, तो अभी से क्यों डिंडोरा पिटा जा रहा है, अभी से क्यों वाहवाही लूटी जा रही है, मैं पूछना चाहती हूं आप सबसे। चुनाव नजदीक है, चुनाव के लिए ये खोखले वादे, ये शो ऑफ, ये तालियां बटोरने का काम हर बार करेंगे, लेकिन आपको अपनी सूझबूझ से, अपने वोट के अधिकार से आगे आने वाले 5 साल के लिए अपने और अपने परिवार की जिंदगी को खोखला नहीं करना है, और भाजपा के छल में बिल्कुल भी नहीं आना है। आप खुद सोच के देखिए, जो अपनी बीवी को अपने साथ न रख के उसे त्याग दिया हो, वो महिला अधिकार की बातें आखिर कर कैसे सकता है। वुमेन रिजर्वेशन बिल का इतना डंका पीटा जा रहा है, इतना डंका पीटा जा रहा है कि हर जगह एक ही चर्चा है, सारे न्यूज चैनल्स पर एक ही चर्चा, खासकर गोदी मीडिया पर, वुमेन रिजर्वेशन बिल। इसका फायदा मिलेगा कब, कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहा। बस वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया, 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। कब मिलेगा, 5 साल बाद भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी कंफर्म नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने, सिर्फ लॉलीपॉप थमाया है देश की जनता को, झुंझुना पकड़ाया है। उस झुंझुने में कितनी सच्चाई है, और ये झुंझुना कब तक भारतीय जनता पार्टी यूज करके अपने वोट बटोरती है, आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप सब से एक बार पुनः निवेदन है कि कई राज्यों में भी चुनाव है, और 2024 का लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है। वोट देने से पहले भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल का कार्यकाल जरूर याद कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।